अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है जी हमारा सेकंड डे हरोनाबाद में और अब मैं जा रही हूँ बाजार और हम जा रहे हैं जी मोटरसाइकिल में। तो हम मोटरसाइकिल में इसलिए बैठे हुए चार बंदे और किस तरह बैठे हुए ये तो आपको समझ जाएंगे। और हमें ये लेके जा रहा है नौमी नाम है इसका और ये मेरे कजन का बेटा है। तो अब आज है फ्राइडे वैसे भी, तो हम देखेंगे कि बाजार खुला है या नहीं खुला और ये हमें बाजार की जगह यहाँ पे ले आए। आपने मेरे साथ फाइका भी है, मेरा भतीजा अब्दुल मोहित भी है। और आज के दिन मैं क्या क्या करूंगी अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे साथ मेरे ब्लॉग में मेरे साथ रहेगा शुरू से एंड तक, ताकि आप भी इंजॉय कर सकें जो चीजें मैंने इंजॉय की हैं और साथ ये भी इनके देसी तरीके भी दे सके। तो वीडियो को शुरू कर चुकी हूँ, तो वीडियो अच्छी लगे तो मेक श्योर लाइक कीजिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिएगा। ये जी हम बाजार तो आ गए हैं, जुमे की वजह से कुछ बाजार के जो दुकानें हैं वो बंद हैं। और ये देखिए जी हरोनाबाद का छोटा सा बाजार, ये कह रहा है मेरी इज्जत आएगी, मेरी नहीं आएगी। और जाके पीछे थी ये देखिए है ना जगह, ये है देखिए भी है, मुझे क्या पता, देखते हैं ना। तो ये जी बाजार है इनका और कुछ दुकानें जो खुली हुई हैं और कुछ नहीं। तो हम यहाँ लेने आए अजान की जैकेटें। आज अब्दुल भाई, ये जी अब्दुल भाई, हमने जैकेट ले ली है। अब्दुल भाई जैकेट दिखाओ अपनी, अब्दुल भाई जैकेट तो दिखाओ। ये हमने ली है जी 2400 की जैकेट यहाँ से इसके लिए। और अभी हम लेने आए हैं जी शूज अगर मिल जाए। और ये जी थोड़ा सा बाजार खुला हुआ है, ये देखे। और धुंध भी है, ठंड थोड़ी सी है, ज्यादा नहीं है कोयटा जितनी। अब हम शूज देखेंगे, मोहित के जो है शूज ले लिए हैं। और अभी हमें गजरे लेने आए क्योंकि आज रात को मेहंदी है, मेहंदी का फंक्शन करने के हमें गजरे के ऑर्डर देने आए हैं। गजरे के ऑर्डर देंगे फिर हम जाएंगे घर की तरफ और मैं आपको दिखाऊंगी। और हमने ऑर्डर दे दिए हैं गजरे के, अभी हम घर की तरफ जाएंगे और उसके बाद फिर देखिए क्या करते हैं। और ये मेहंदी लग चुकी है और हमने मेहंदी भी लगानी है आज। और फाइका ने पहले ही मेहंदी लगा ली। बाजार आप देख सकते हो जिस तरह छोटे शहरों के बाजार होते हैं उसी तरह है। और प्राइस डिपेंड करता है कि आप कहाँ से चीज ले रहे हो, और अगर आप लोकल बंदे भी यहाँ लेके आएंगे उसको ज्यादा अच्छी तरह पता होता है प्राइस का। बाजार देखते नुमान साहब को हम लेके आए तो उसका प्राइस ज्यादा अच्छा पता था, इसलिए मुझे शूज जो है वो सही मुनासिब रेट पे लेके देती है। अभी जी हम जा रहे हैं हरोनाबाद की एक मशहूर नहर तो देखने, या हम यहाँ पे एक मंदिर है जो बहुत ज्यादा फेमस है वहाँ जा रहे हैं। कुछ फैमिली मेरी आधी है, कुछ आधी फैमिली मेरी आगे है और कुछ मेरे पीछे है। तो देखते हैं हम कहाँ जाते हैं। तो आप भी जानना चाहते हैं कि मैं कहाँ जा रही हूँ तो आप मेरे साथ चले और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चले चलते हैं। वो नहर दिखाने लगी हूँ जिसमें पानी नहीं है। ये जी वो नहर है जिसको देखने के लिए सारी आबादी आई और इस नहर में पानी नहीं है। मैं समझती थी पंजाब में तो पानी होगा, लेकिन देखिए ये नहर है जिसमें पानी बिल्कुल नहीं है। और ये वो नहर है जो इंडिया से आ रही है और फिर पानी नहीं, जब इंडिया पानी छोड़ता है तो पहले इस नहर पे आता है पानी और बिल्कुल भी पानी नहीं है, आप ये देख सकते हो। और ये है शराइफ जो आपको हाई कह रहा है। और सूरज जो है वो तुलू गरूब होने वाला है, तुलू कह रही हूँ गरूब होने वाला है। तो इस नहर को देख के मुझे तो बहुत अफसोस हुआ कि इसे पानी नहीं था। और ये वो इलाका है या ये वो जगह है जहाँ से इंडिया बहुत नज़दीक है, सिर्फ एक शहर का फासला है, चोस्तान नाम है उसका, उससे क्रॉस करें तो इंडिया का बॉर्डर आ जाता है। मौसम ठीक था, नॉर्मल है यहाँ पे अभी इस टाइम तक। सुबह बहुत ज़्यादा धुंध थी जब मैं बाजार गई थी, तो अभी ठीक है। अभी देखते हैं आगे कहाँ जाते हैं हम और आपको दिखाते हैं मजीद हरोनाबाद इस कैमरे की आंख के जरिए। ये है जी अब हम यहाँ पहुंचे हैं बिल्कुल नहर के सामने ही जी, ये नहर है और उसके सामने ही वाइटल सिटी है। और वाइटल सिटी जो वाइटल चाय वाले नहीं है, वाइटल चाय वाले वाइटल है, वाइटल चाय वालों की अपनी ये कॉलोनी है जहाँ पे इन्होंने डिफरेंट जी शॉप्स शुरू में है जो बना रखी है। और आगे जो है शायद घर भी बनाए हुए हैं। तो चलें जी इसको विजिट कर लेते, एक्सप्लोर कर लेते, जिस जिस चीज़ को देखने में कोई हर्ज नहीं है। तो सिक्योरिटी जी यहाँ पर बैठी हुई है, लेकिन किसी ने हमसे पूछा नहीं कि आप कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो और क्यों यहाँ पे आए हो। तो यहाँ बंगले बने हुए हैं, शुरू में दुकानें थी जो अब बंद हैं, पता नहीं कोई शायद जुमे की वजह से बंद है या वैसे ही बंद है।
लेकिन बंद है अभी। यहाँ पे जी पिक्चर्स वगैरह खींचने के लिए खड़ी हुई है। यहाँ से अंदर की तरफ घर दिखाऊंगी चोरी चोरी चुपे चुपे। ये जो आपको घर नजर आ रहा है अंदर से, ये देखिए जी अंदर से बना हुआ है अभी इस तरह जी। बकरियों ने भी यहाँ पे स्वेटर जो पहने हुए, यहाँ पे इनको इतनी सर्दी लगती है। ये देखिए जी बकरियों के स्वेटर यहाँ पे भी जी। मैं जहाँ जहाँ बकरियाँ या बकरे देख रही हूँ सब ने स्वेटर पहने हुए, जबकि टेम्परेचर इतना नहीं है जितना क्वेटा का होता है। बिल आखिर जी हम मंदिर पहुंच गए हैं, क्योंकि मंदिर का रास्ता यहाँ पता नहीं था हमें, और हम बहुत फिरे शिरे, फिर आखिर हमने एक बंदे को पकड़ा जो यहाँ का जानने वाला था, वो हमें यहाँ पे लेके आया। तो चलें जी आप भी देखे यहाँ का मंदिर कैसा है, और वो हमें अंदर जाने देते हैं या नहीं जाने देते। तो चलें जी अंदर। ये है जी मंदिर, और वो कह रहे हैं कि आगे से वीडियो वगैरह नहीं बनानी, बाहर से आप दिखा लें, लेकिन अंदर अंदर से नहीं जाने दे रहे, और कह रहे हैं कि वीडियो नहीं बनानी है, तो मैं बाहर से ही आपको दिखा रही हूँ। कोशिश करूंगी अगर जाने दिए तो। वैसे हम सब यहाँ बाहर खड़े हुए और कह रहे हैं कि कोशिश करते हैं कि अंदर जाए, लेकिन वो कह रहे हैं आप अंदर जाएंगे भी तो आपको तस्वीर नहीं बनाने दी जाएगी। ये जी इन्होंने आखिर खोल दिया है मंदिर, और ये इनका हाल है, और ये थोड़ा सा मुझे बताएंगे ये इनका जी। आखिरकार इन्होंने हमें मंदिर दिखा दिया, और मैंने इनसे बहुत रिक्वेस्ट की काइंडली थोड़ा से मुझे इजाजत दें कि मैं आपकी मंदिर की फुटेज बना सकूं, ताकि कि मेरे जो व्यूज हैं वो भी देख सकें कि हरूणाबाद में जो है वो मंदिर कैसा है, क्योंकि हरूणाबाद और इंडिया का जो फासला है वो बहुत कम है, तो यहाँ पे भी हिंदू बरादरी रहती है। सबसे बड़ी बात है पाकिस्तान में सबको आज़ादी है अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी बसर करने के लिए, तो इसलिए हर एक के मजहब का एहतराम करना हम सब पे भी फर्ज है। तो मैंने आपको मंदिर इनका दिखा दिया है। जब हम वापस आए तो लड़कियां जो है वो मेहंदी के जो थाल या प्लेटें वो सजा रही थी, डेकोरेट कर रही थी। अभी मैं आपको उस जगह पे लेके आई, उस घर में लेके आई जिस घर में हम ठहरे हैं, क्योंकि माशा से आपके घर बहुत बड़ा था तो बहुत ज्यादा मेहमान भी थे, तो हमने एक सेपरेट घर अरेंज करके दिया हुआ है। ये वो घर है जहाँ पे हम ठहरे हैं, हम इनके पूरे नान के यहाँ पे ठहरे, यहीं पे तैयार होंगे, यहीं पे उनका सामान है, यहीं पे शायद हम सोएंगे। ये वो घर है, और सब ने डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे फैल गए हैं। एक रूम ये है जहाँ पे हमारा भी लगेज पड़ा हुआ है, डिफरेंट लगेज भी पड़े हुए हैं, यहाँ पे तैयार हो रहे हैं सब कुछ, और बाल स्ट्रेट वगैरह भी हो रहे हैं, रेडी हो रहे हैं सारे। और इसके अलावा जी यहाँ पे हैं सब बैठे हुए, तैयार श्यार हो रहे हैं बच्चे बच्चे, और कपड़े बिखरे हुए हैं, और एक बच्चा उछल रहा है, उसको ज्यादा खुशी है शादी की। का फंक्शन स्टार्ट हो चुका है, मेहंदी दी शुरू हो चुकी है, और मैं आपको दिखाऊंगी कि हम कैसे दिख रहे हैं, क्या क्या हुआ है, ओवरऑल दिखाऊंगी। मेहंदी जो है वो घर से निकल रही है धुले मियाँ के, और अनार जो है पहले जल गए तो मैंने आपको दिखा दिया है, ये दोबारा से जल रहे हैं। बताऊंगी स्टेज मेहंदी का जो स्टेज है वो डेकोरेट किए गए हैं, और उसमें जो है इस तरह की है जिसकी मायों की नहीं मेहंदी है फंक्शन, लेकिन मायों का टच भी दिया गया है साथ साथ, और ग्रे सोफा है। और इसके अलावा जी यहाँ पे जो दूल्हे को हार पहनाने वो हैं, टिश्यू रखे हुए हैं, और चॉकलेट और बर्फी उसे खिलाने के लिए रखी गई है। तो ये ओवरऑल, और उसके अलावा जी ये यम्मी सा केक है। मैंने क्या पहना था जी, मैंने पहना था अपने जहेज का सूट, ये मेरा साहिवाल से मेरी अम्मी लेके आई थी, तो मैंने पर्पल और प्याजी कलर को जो कंट्रास्ट में ये सूट कैरी किया था, जबकि मैंने लहंगा पहना था, लेकिन वो लहंगा कुछ मसला हो गया था इसलिए मैंने नहीं पहना। तो मेरा सूट कैसा लगा? यहाँ पे जी बन रही है तंदूर में रोटियां, और जो भी थोड़ी देर में हम खाएंगे आप देख सकते हो, और ये देखिए तंदूर, देसी तंदूर। अब तो भाई मुड़ पीछे करो, और रोटियां बन रही है, ये क्या है? वो रखनी है ना। अच्छा, इसमें रोटियां बना के यहाँ रखी जाएंगी, उसके बाद इस कंटेनर में डाली जाएंगी ताकि रोटियां गर्म रहे। तो अभी जो हम जा रहे हैं जी मेहंदी के प्लेटें आ रही हैं, तो हम वहाँ जाएंगे, मैं आपको वहाँ लेके जाती हूँ। देखे आज उसका दूल्हा मियाँ जिसकी भी शादी थोड़ी सी लेट है, और इसने ड्रेसिंग इस तरह बिल्कुल पंजाब,
बहुत जल्दी है इसको शादी की, आप सब दुआ करें इसकी शादी जल्दी हो जाए। और यहाँ पे मेरा एक कजन है साहिवाल से आया हुआ, अहमद नाम है इसका, और ये है जिसकी माशाल्लाह से प्यारी सी बेटी, क्या नाम है बेटी का? महनूर साहिब आएंगे, और ये बहुत अच्छी है, रोती नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है, है ना महनूर? आप रोती नहीं हो ना? अभी तक रोते नहीं दिखाया महनूर ता, वो मुझे देखती जा रही है, मेरे नेल देख रही है, बड़ी बहन है। मैं इसकी बड़ी बहन। ये अब्दुल मोहित जी ले आया प्लेट मेहंदी वाली, चलो ले लो ना आप ले लो, और बाकी लड़कियों ने भी जी प्लेटें निकालनी है और इन्होंने भी निकालनी, तो लिया इसको जलाओ तो सही नहीं होगा, जलाने अच्छा ठीक है। मेहंदी की थालें सज गई हैं और ये मेहंदी की बड़ी थाल है जो सजाई गई है। इसके अलावा मैं एक और थाल आपको दिखाती हूँ, एक और थाल मेहंदी की। ये लड़के को भी ला जाया दोबारा, उसके दोस्त लेके आ रहे हैं, वो कई दफा उसको लाया जा रहा है क्योंकि मेहंदी जो है वो ज्वाइंट नहीं थी, सेपरेट थी, पहले लड़कियों के साथ आया, फिर लेटे आई मेहंदी की, और अब दूल्हे के जो दोस्त हैं वो कहते थे कि हम लेके आएंगे इसको, तो दूल्हे के जो दोस्त हैं वो घोड़े पे बिठा के उसको लेके आ रहे हैं। मेहंदी की जो रस्म का आगाज जो है वो दूल्हे के मामों और उसकी नानी ने किया, और इसके बाद जी से गाना कहते हैं अपने, क्या कहते हैं, ये बांधा गया। खाने में है जी व्हाइट फ्राई और नान है और पानी का इंतजाम है। ये जी व्हाइट कढ़ाई है, मैं आपको दिखा दूँ, व्हाइट कढ़ाई है, वहाँ पे भी वेट है, तो खाना लग चुका है, खाना खुल चुका है, तो खाना खा लें आके। हैप्पी मेहंदी। वीडियो यहीं तक, उम्मीद करते हो आज की वीडियो अच्छी लगेगी। इसी तरह की मजे मजे वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और नेक्स्ट वीडियो किस पे होती है वो तो नेक्स्ट ही पता चलेगा। अब तक के लिए मुझे इजाजत है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।